हेल्पिंग वर्ब्स आर टू टाइप, एक्सिलरी एंड मॉडल। व्हाट इज एक्सिलरी? एक्सिलरी क्या होते हैं, मॉडल क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब दो टाइप की होती है। एक्सिलरी में ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने के बाद में उसका अकॉर्डिंग टू वर्ब हम एक्शन उसका चेंज हो जाता है। जैसे मेन वर्ब बी फर्स्ट, बी टू, बी थर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्सिलरी में आता है। और वो एक्सिलरी कौन कौन सी होती है अब हम आपको बता रहे हैं। अब एक्सिलरी में तीन होती है, बी होती है, उसके बाद डू होती है, उसके बाद हैज़ होती है। अब ऐसा इसमें बी में भी कुछ वर्ब्स छुपी होती हैं। सम वर्ब्स आर हाइड इन बी, सम वर्ब्स आर हाइड इन डू, सम वर्ब्स आर हाइड इन हैज़। वी कैन से दीज थ्री फॉर्म्स मेक मैनी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। नंबर वन बी, वी ई, वी इन वी ई हाइड इज आर एम वाज वर बी बींग वीन ईट। इन वी इज आर एम वाज वर बींग बीन एंड वी कम्स इन एक्सिलरीज। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब। इन सेकेंड नंबर इज डू, आर यू वॉचिंग सेकेंड पोजिशन में डू। इन डू हाई डू डज डिड डन। इन थर्ड पोजिशन यू आर वॉचिंग, तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, हैज़ लिखा हुआ थर्ड पोजिशन, एच ए एस, हैज़ से कितनी फॉर्म्स बनती हैज़ हैव हैड, थ्री, दीज आर थ्री, दीज आर थ्री टाइप्स आर कॉल्ड एक्सिलरीज। डू यू नो टूडे एक्सिलरीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स? यू आर वॉचिंग मॉडल। मॉडल वर्ब यूज होने के बाद एक्शन किसी भी फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये नहीं लगेगी अगर मॉडल वर्ब यूज हो जाती है तो। बिल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, ऑट टू, डेयर, डेयर टू, दीज ऑल आर मॉडल्स। इफ यूज इन द सेंटेंस मॉडल वी डू नॉट नीड टू एक्शन, एक्शंस आर वर्ब्स पोजिशन चेंज। वी डू नॉट नीड टू चेंज द पोजिशन ऑफ वर्ब, तब हमें वर्ब की पोजिशन नहीं चेंज करनी पड़ेगी अगर हम मॉडल यूज करते हैं। जैसे यू शुड प्ले, यू सेल प्ले, आई विल ईट, आई सेल ईट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल।